हेलो एवरीवन स्वागत है आपका मेरा आयुर्वेद चैनल पर डॉक्टर बिलाल अहमद वानी की रिसर्च की बुक की लेक्चर सीरीज चल रही थी जिसमें चैप्टर इलेवन तक हमने कंप्लीट कर लिया है आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर ट्वेल्व चैप्टर नंबर ट्वेल्व जो है थोड़ा लेंदी है थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है तो चलिए पार्ट वन शुरू करते हैं चैप्टर नंबर ट्वेल्व का क्लिनिकल रिसर्च ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ा थोड़ा हम लास्ट चैप्टर्स में सब चीजों के बारे में पढ़कर आ चुके हैं यहाँ पे थोड़ा और उसको डिस्क्राइब किया हुआ है तो ध्यान दीजिएगा इस पे एग्जाम पॉइंट ऑफ तो व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लिनिकल रिसर्च सबसे पहले पेज नंबर जो है ये चैप्टर नंबर ट्वेल्व का फर्स्ट पेज जो है इसमें क्लिनिकल रिसर्च मैथडोलॉजी जो लिखा है नीचे उसमें लिखा है मैथडोलॉजी प्रोवाइड्स वर्क प्लान एंड डिस्क्राइब द एक्टिविटीज नेसेसरी फॉर द कम्पलीशन ऑफ़ दी प्रोजेक्ट तो आप याद रखिएगा कि वर्क प्लान जो है हमारा वही हमारी मैथडोलॉजी है वन 190 पेज पर आ जाइए स्टडी डिजाइन स्टडी डिजाइन जो है हम पहले भी कई जगह बढ़कर आ चुके हैं लेकिन यहाँ पे कुछ नए स्टडी डिज़ाइंस भी हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले देखिए ऑब्जर्वेशनल और इंटरवेंशनल डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिक क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल फोर्थ है हमारा कोहोड स्टडी और केस कंट्रोल स्टडी कंट्रोल्ड और नॉन कंट्रोल्ड स्टडी प्री क्लिनिकल एक्सपेरिमेंटल और क्लिनिकल ट्रायल तो थोड़ा बहुत आपको याद आ रहा होगा कि पिछले चैप्टर्स में हम ये थोड़ा थोड़ा पढ़कर आ चुके हैं अब देखिए स्टडी पॉपुलेशन क्या होती है दिस सेक्शन डिफाइंस द ग्रुप इन विच द स्टडी विल बी कैरिड आउट एंड टू विल द रिजल्ट रेफर जोग्राफी एज ग्रुप एपेडीमोलॉजिकल ग्रुप मतलब कोई भी एक सेक्शन पॉपुलेशन का जिसपे आप अपनी स्टडी कर रहे हैं या फिर रिसर्च कर रहे हैं जिसपे भी रिजल्ट आएगा आपकी रिसर्च का उसको बोलते हैं स्टडी पॉपुलेशन फिर अ सैम्पल साइज एंड सैम्पलिंग दिस सेक्शन डिस्क्राइब्स द सैंपल साइज एस्टिमेशन एंड टेक्निक्स टू बी यूज फॉर सैम्पलिंग आप सैम्पल साइज मतलब पॉपुलेशन में से जितने भी सब्जेक्ट आप लेकर यूज करते हैं अपनी रिसर्च में उसको हम बोलते हैं सैम्पल और वही होता है मेरे सैम्पल साइज मान लीजिए किसी पॉपुलेशन में यहाँ से आपने फोर्टी लोगों को चुना है तो आपका सैंपल साइज हो जाएगा फोर्टी और सैम्पलिंग मतलब आप कौन सी टेक्नीक यूज कर रहे हैं सैम्पलिंग के लिए कि आपने रैंडम random, रैंडमली uh, उनको सेलेक्ट करा है कि सिस्टमेटिकली रैंडम सेलेक्शन हुआ है उनका जो भी आप जिस तरीके से आप उसको उनको सेलेक्ट कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे सैम्पलिंग टेक्निक टेक्निक हम पहले पढ़कर आ चुके हैं चैप्टर नंबर टू में भी हमने पढ़ा था फिर है टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन आप डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे क्वेश्चन आ रहे हैं इंटरव्यूज फोकस ग्रुप डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट एक्सेट्रा अब ये सारी चीजें आप पहले पढ़ चुके जैसे ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट फॉलो अप सेफ्टी कंसिड्रेशन इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ और उसी पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है टाइप्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज The US National Institute of Health organizes trials into five different type on the basis of purpose of trial. Purpose of trial मतलब आपका क्या purpose है trial करने का उसके हिसाब से US National Institute of Health ने five types के जो है हमारे clinical trials को बताया है सबसे पहले प्रिवेंशन ट्रायल प्रिवेंशन ट्रायल मतलब आप किसी डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए अगर आप कोई ट्रायल कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे प्रिवेंशन ट्रायल इसमें देखिए दीज लुक फॉर बेटर वेज टू प्रिवेंट डिसीज इन पीपल हु हैव नेवर हैड डिसीज और टू प्रिवेंट द डिसीज फ्रॉम रिटर्निंग मतलब अगर किसी को डिसीज नहीं है तो उनको प्रिवेंट हो सके वो डिसीज से और मान लीजिए अगर किसी को डिसीज हुआ भी है तो उसको दोबारा से वो डिसीज ना हो ये हमारा प्रिवेंशन ट्रायल के अंदर आता है दीज अप्रोचेज में इंक्लूड मेडिसिन विटामिन वैक्सीन्स मिनरल्स और लाइफ स्टाइल चेंजेस तो आप याद रखिए प्रिवेंशन ट्रायल के अंदर क्या आता है हमारा मेडिसिन भी आती है, वाइटाम्स आएंगे वैक्सीन्स आएंगे मिनरल्स और लाइफ स्टाइल चेंजेस जो हमारे प्रिवेंशन ट्रायल में हैं फिर है स्क्रीनिंग ट्रायल दीज टेस्ट द बेस्ट वे टू डिटेक्ट सर्टेन डिसीजेज और हेल्थ कंडीशन स्क्रीनिंग मतलब आप किसी डिसीज की स्क्रीनिंग कर रहे हैं मतलब उसको डिटेक्ट करने के लिए जो भी आप टेस्ट या जो भी आप इन्वेस्टिगेशन यूज करते हैं उनको बोलते हैं स्क्रीनिंग तो स्क्रीनिंग ट्रायल मतलब आप जो भी ट्रायल कर रहे हैं अपनी डिसीज के लिए उसको स्क्रीन करने के लिए उसका पता लगाने के लिए दैट इज स्क्रीनिंग ट्रायल डायग्नोस्टिक मतलब दीज आर कंडक्टेड टू फाइंड बेटर टेस्ट और प्रोसीजर फॉर डायग्नोसिंग अ पर्टिकुलर डिजीज और कंडीशन डायग्नोस्टिक भी वही है कि आप किसी आ, कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं या फिर कोई बेटर टेस्ट को निकालने के लिए किसी भी डिसीज को जानने के लिए कोई गोल्ड स्टैंडर्ड जानने के लिए या फिर किसी आ, डिसीज़ का इन्वेस्टिगेशन अच्छा हो उसके लिए कुछ आप बेटर रिसर्च कर रहे हैं तो आता है हमारा डायग्नोस्टिक ट्रायल में ट्रीटमेंट ट्रायल दीज टेस्ट एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग और न्यू अप्रोचेज टू तो सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी ट्रीटमेंट ट्रायल मतलब जिसमें आप अपना ट्रीटमेंट चलाएंगे किसी भी न्यू ड्रग को डिस्कवरी करने के लिए या फिर कोई भी सर्जरी हो गई या रेडिएशन थेरेपी वो था मैं ट्रीटमेंट ट्रायल फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ ट्रायल या फिर सपोर्टिव केयर ट्रायल दीज एक्सप्लोर वेज टू इंप्रूव कंफर्ट एंड द क्वालिटी ऑफ़ लाइफ फॉर इंडिविजुअल विद क्रॉनिक इलनेस जो भी लंबे टाइम से बीमार जो लोग हैं उनके लिए क्वालिटी ऑफ़ लाइफ ट्रायल्स होते हैं मतलब उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या आप सपोर्टिव केयर कर सकते हैं या फिर कैसे उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है उसके ऊपर भी रिसर्चेस कर सकते हैं फिर आता है हमारा ऑब्जर्वेशनल एंड इंटरवेंशनल स्टडीज ये हम पहले भी पढ़ कर आ चुके हैं लेकिन यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं ऑब्जर्वेशनल स्टडीज है द रिसर्चर डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स रेदर ही कैन ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट वट इज हैपनिंग मतलब रिसर्चर का किसी भी चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं होगा ना ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे ना ही डिपेंडेंट वेरिएबल पे मतलब कर, जो भी आप वेरिएबल ले रहे हैं मान लीजिए सैंपल हुआ सैंपल uh, की एज हुई सेक्स हुई या फिर उनकी लिटरेसी रेट हुई तो उस पर ऑब्जर्वर का कोई भी uh, कोई भी मतलब इंटरव्यन नहीं कर पाता वो उसका कोई भागीदार नहीं हो पाता बस जो चल रहा है उसको वो रिपोर्ट कर सकता है हैंड्स इट इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल डिजाइन मतलब सिर्फ जो सामने चीज़ें उसके चल रही है उसको ऑब्जर्व करके रिपोर्ट करना ही ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ है इन्वेस्टिगेटर डज नथिंग टू अफेक्ट द आउटकम वो आउटकम को भी इफेक्ट नहीं कर सकता मान लीजिए कोई स्मोक कर रहा है Uh, इसमें सेकेंड जो चैप्टर था उसमें एग्जांपल था स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर अब कोई स्मोक कर रहा है तो जो इन्वेस्टिगेटर है वो, मतलब वो उसकी स्मोकिंग पे मतलब क्या उसको बोल नहीं सकता कि आप स्मोकिंग कम करिए या फिर जो उसका आउटकम आ रहा है जैसे लंग कैंसर अगर उसका आउटकम आ रहा है तो उस पर भी वो कोई इफेक्ट नहीं कर सकता कि मतलब कर कर उसके कॉज को कम करके उसके इफेक्ट पे कोई मतलब उसके आउटकम पे कोई वो इंटरवीन करे या फिर बीच में कोई ड्रग देके कोई इंटरवीन करे उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है और उसको रिपोर्ट करना है ये हमारा ऑब्जर्वेशनल स्टडी एग्जाम्पल है इसमें एपेडीमोलॉजिकल स्टडीज लाइक कोहोट केस कंट्रोल केस सीरीज एंड केस स्टडीज अब ये जो कोहोट केस कंट्रोल केस सीरीज और केस स्टडीज है ये हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे तो इसके एग्जाम्पल याद रखिए ऑब्जर्वेशनल के जिसमें सिर्फ जो इन्वेस्टिगेटर है वो सिर्फ ऑब्जर्व करेगा उसे कोई इंटरव्यू नहीं करना उसे अपनी कोई ड्रग नहीं देनी उसे अपना कुछ भी नहीं करना है बस वो आउटकम पे भी उसका कोई मतलब इन्वेस्टिगेटर का कोई हाथ नहीं होगा आउटकम पे जो भी रिजल्ट आएगा या कंक्लूजन आएगा उसको सिर्फ ऑब्जर्व करके अपने जो है रिसर्च को लिखना है इसमें कोहोट है केस कंट्रोल है केस सीरीज है और केस स्टडी है तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने हैं इंटरवेंशनल स्टडीज में देखिए पेज नंबर वन नाइनटी टू इन दिस काइंड ऑफ स्टडी द रिसर्चर मेक सम काइंड ऑफ इंटरवेंशन एंड मॉनिटर द आउटकम सम काइंड ऑफ इंटरवेंशन मतलब आप जो है रिसर्च के भागीदार होंगे या तो आप कोई ड्रग दे रहे होंगे या फिर आप किसी चीज को मान लीजिए कि आप किसी डायग्नोस्टिक थेरेपी पे कर रहे हो तो आप अपना जो है टेस्ट के बारे में बताएंगे किसी या फिर अपने सैंपल को टेस्ट जो इन्वेस्टिगेशन आप कराएंगे सैंपल की किसी भी नए मैथड से या फिर अपनी कोई नई ड्रग दे रहे होंगे उसको उस वो होता है हमारा इंटरवीन करना तो उससे क्या आपका आउटकम चेंज हो जाएगा मतलब आउटकम पे मॉनिटर कर सकते हो तो वो होता है हमारा इंटरवेंशनल स्टडीज जिसमें कि रिसर्चर जो है भागीदार होता है रिसर्च का तो इसमें ऑल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज क्लिनिकल ट्रायल्स और इंटरवेंशनल स्टडी जितनी भी हमारी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होती है और क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं ऑब्वियसली बात है क्लिनिकल ट्रायल में रिसर्चर जो है इंटरवीन करता है और एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी अगर कर रहा है वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उसमें भी उसको इंटरवीन करना पड़ता है तो इसलिए जो है आउटकम को वो मॉनिटर करता है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इंटरवेंशनल स्टडीज और इसीलिए इसके एग्जाम्पल हैं एक्सपेरिमेंटल और क्लिनिकल ट्रायल इसके बाद आता है हमारा डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल स्टडीज़ अब देखिए जैसे नाम है इसका डिस्क्रिप्टिव वेरियस टाइप ऑफ सर्वेज एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज आर इंक्लूडेड अंडर द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्रिप्टिव मतलब किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना तो जो अलग अलग काइंड ऑफ सर्वेज हैं या फिर फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज हैं किसी भी चीज़ के फैक्ट uh, को फाइंड uh, करने के लिए आप कोई इंक्वायरी कर रहे हैं तो वो हमारा आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज इट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट इज डिस्क्राइब्ड इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज इट एग्जिस्ट मतलब जैसा जो चल रहा है जैसे हमने इसमें पढ़ा था जो है हमारा ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में उसी के जैसा है थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्टिव स्टडी जैसा जो चल रहा है जो स्टेट ऑफ अफेयर चल रहा है उसी को मतलब प्रेजेंट में जैसा जो चल रहा है उसी को आप डिस्क्राइब करना दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज़ अ स्टडी डिजाइन टू डिपिक्ट द पार्टिसिपेंट इन एन एक्यूरेट वे और डिस्क्राइबिंग पीपल हु टेक पार्ट इन द स्टडी मान लीजिए आपने कोई सैंपल ले रखे हैं चालीस लोगों के तो आपके पार्टिसिपेंट के बारे में पूरी जानकारी देना आपके सैंपल के बारे में पूरी जानकारी देना उनके बारे में डिस्क्राइब करना पूरा वो है हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ये तीन टाइप से जा सकती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ऑब्जर्वेशनल केस स्टडी और सर्वे तो ऑब्जर्वेशनल में होता है हमारा व्यूइंग एंड रिकॉर्डिंग द पार्टिसिपेंट आपने देख लिया आपके सैंपल को उनको देखना और रिकॉर्ड करना कि हाँ आपके पार्टिसिपेंट सी हैं केस स्टडी है इन डेप्थ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल केस स्टडी मतलब आप पार्टिसिपेंट के इन डेप्थ स्टडी करेंगे मान लीजिए कोई डिजीज के बारे में अगर आप कर रहे हैं तो उसका पूरा सिम्टम्स डायग्नोसिस वगैरह सब कुछ लिखना दैट इज केस स्टडी सर्वे क्या होगा ब्रीफ इंटरव्यू और डिस्कशन विद एन इंडिविजुअल अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक आपको इंटरव्यू कर रहे हैं या फिर डिस्कस कर रहे हैं अपने सैंपल के साथ या पार्टिसिपेंट के साथ तो उसको हम बोलते हैं सर्वे तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये आती है हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टडी में मतलब आप ऑब्जर्वेशनल भी देखिए जो हमने ऊपर पढ़ा था ऑब्जर्वेशनल भी डिस्क्रिप्टिव के अंडर आ जाती है मैंने पहली बोला था कि ऑब्जर्वेशनल और डिस्क्रिप्टिव दोनों एक जैसी हैं तो ऑब्जर्वेशनल जो हमारी स्टडी है वो डिस्क्रिप्टिव के अंडर आ जाएगी जिसमें कि आप सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे और उसको डिस्क्राइब करेंगे फिर है इन एपिडेमियोलॉजी डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिस्क्राइब्स अक्यूरेंस ऑफ डिसीज एंड इट्स डिटरमिनेंट्स विद इन अ पॉपुलेशन अब अक्यूरेंस ऑफ डिसीज़ के बारे में बताना मतलब एपिडेमियोलॉजी मतलब जहाँ पर कोई एपिडेमिक uh, कोई फैला हुआ है तो वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टडी कैसे काम करती है वो अक्रेंस ऑफ डिसीज मतलब डिसीज़ के बारे में पूरा डिस्क्राइब करना और डिटरमिनेंट्स विद इन अ पॉपुलेशन उसके क्या कॉज हैं या फिर कैसे वो फैल रहा है वो सारी चीज़ें ये सारे जो हैं अलग अलग पॉइंट्स एक डिसीज के बारे में बताना एपिडेमोलॉजी में उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडी फिर आता है हमारा एनालिटिकल स्टडी एनालिटिकल के नाम से ही पता चल रहा है रिसर्चर हैज़ टू यूज द फैक्ट और इन्फॉर्मेशन विच इज़ ऑलरेडी अवेलेबल एंड एनालाइज दीज टू मेक अ क्रिटिकल इवेल्यूशन ऑफ द मेटीरियल इसमें क्या करेगा रिसर्चर जो है उसके पास ऑलरेडी फैक्ट और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है फिर जो फैक्ट और इन्फॉर्मेशन उसको अवेलेबल है उसी को एनालाइज करके उसी में युक्ति लगाकर वो क्रिटिकल इवेलुएशन कर सकता है किसी भी मटीरियल की या फिर किसी भी डिसीज़ की अब इसमें एक्जाम्पल देखिए इन एपिडेमियोलॉजी द एनालिटिकल स्टडी एम्स टू गेन नॉलेज ऑफ द क्वालिटी एंड द अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस दैट दै हैव ऑन द अकुरेंस ऑफ डिसीज अब आपने देख लिया अकुरेंस ऑफ डिसीज और डेटर्मिन विदिन पॉपुलेशन आपने डिस्क्रिप्टिव स्टडी में किसी ने आपको लिख के दे दिए डिस्क्राइब करके दे दिए तो अब आप एनालिटिकल स्टडी में क्या करेंगे उस चीज को पूरा स्टडी करके एनालाइज करके फिर आप देखेंगे कि जो uh, इन्फ्लुएंस क्या कर रहे हैं मतलब आसपास की चीज़ें जो डेटर्मिनेंट्स हैं या जो कॉज हैं जो उस डिसीज़ को इफेक्ट कर रहे हैं वो कितना अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब उनमें से मेन कॉज़ क्या हो सकता है या फिर कौन सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके डिसीज़ के अक्रेंस में तो वो कैसे होगा आपका एनालिटिकल स्टडी से होगा क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में तो सब सब चीज़ें इंक्लूड करके आपको लिख के दे दी गई हैं कि ये चीज़ होती है डिसीज़ को कॉज करने में लेकिन एनालिटिकल स्टडी में आप सारे कॉजेज को एनालाइज करेंगे फिर उनमें से जो मेन कॉज होगा या फिर आप देखेंगे कि इस चीज़ की वजह से रिकरेंस हो रही है या फिर इस चीज़ की वजह से अकरेंस हो रही है या फिर, फिर इस एरिया में ही ज़्यादा अकरेंस हो रही है इस डिसीज़ की तो वो जो होता है हमारा एनालिटिकल स्टडी से ही होता है कि आप एनालाइज कर रहे हैं किसी भी डिस्क्रिप्टिव स्टडी के बाद आप उसको एनालाइज करके जब अपना डाटा लेकर आते हैं तो उसको बोलते हैं एनालिटिकल स्टडी तो एनालिटिकल स्टडी यूजुअली कंपेयर टू और मोर ग्रुप्स और सेट ऑफ डाटा इसमें क्या कंपेरिजन होता है एनालिटिकल स्टडी में टू और मोर ग्रुप्स का या फिर सेट ऑफ डाटा का एग्जाम्पल है इसमें केस कंट्रोल स्टडी कोहोट स्टडी रैंडमाइज कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल और लैब स्टडी एग्जाम्पल आपको सबके याद रखने हैं मैंने शुरू से बोला है चैप्टर नंबर वन से कि एग्जाम्पल आप हर किसी रिसर्च प्लान के या फिर जिसमें भी जैसे भी एग्जाम्पल मान लीजिए लिटरे रिव्यू में एग्जाम्पल्स है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी डाटा के तो हर चीज़ का आपको एग्जाम्पल याद कर ही आगे बढ़ना है इनको एग्जाम्पल्स को बिल्कुल रट लेना है नेक्स्ट आती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल स्टडीज लॉन्गिट्यूडनल के नाम से ही लग रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल मतलब जो ज्यादा टाइम के लिए चल रही हो लॉन्गिट्यूडनल मतलब अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इज अ को रिलेशन रिसर्च स्टडी दैट इन्वॉल्वस रिपीटेड ऑब्जर्वेशन ऑफ सेम वेरिएबल्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑफर मेडिकेट्स इट इज अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी सबसे पहले देखिए इट इज अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या है ऑब्जर्वेशनल स्टडी ही है ये क्या करती है बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए चलती है स्टडी कई बार डिकेड्स मतलब दस सालों तक भी चल सकती है बीस सालों तक भी चल सकती है तो वो लॉन्ग पीरियड जो लॉन्ग पीरियड के लिए जो स्टडी चलेगी कोरिलेशन देखने के लिए इसमें एग्जाम्पल हम वही लेंगे स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर अब क्या करेंगे कि हमारे सामने है मान लीजिए आपने सैंपल लिए जो स्मोक करते हैं तो उनके ऊपर स्टडी होगी वो स्मोक करते रहेंगे वो कंटिन्यूस जो है वो स्मोकर होंगे ठीक है कंटिन्यू स्मोक करेंगे वो दस साल तक या बीस साल तक उसके बाद उनमें से किसको लंग कैंसर हो रहा है तो ये कोरिलेशन देखना कि स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर इसमें बहुत टाइम लग रहा है कि आपका कॉज जो है और उसके इफेक्ट आने में आपको लगभग दस साल लग गए पाँच साल लग गए बीस साल लग गए तो ये इसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी मतलब आप कॉज जो है आप देखेंगे उसके बाद जो आउटकम आने में आपका बहुत टाइम लगता है तो ये जो पूरा है मतलब रिपीटेड ऑब्जर्वेशन ऑफ सेम वेरिएबल अब इसमें सेम वेरिएबल जो है हमारा एक ही पेशेंट है मतलब ठीक है तो रिपीटेड ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं आप उसका आज कर रहे हैं फिर मान लीजिए एक साल बाद उसको देखेंगे कोई सिम्टम तो नहीं आ गए दो साल बाद देखेंगे कोई सिम्टम तो नहीं आया स्मोकिंग की वजह से तो सेम वेरिएबल रहेगा आपका और रिपीटेड ऑब्जर्वेशन होंगी आपकी सेम पेशेंट पर फॉर अ लॉन्ग period of time. लॉन्गिट्यूडनस स्टडीज़ और ऑफन यूज इन साइकोलॉजी आप साइकोलॉजिकल डिसीजेज में लॉन्गिट्यूडनस स्टडी ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि उसमें बिहेवियर पैटर्न आपको स्टडी करना पड़ता है पेशेंट का कि आज बिहेवियर कैसा है थोड़े दिन बाद कैसा होगा ऐसे करके जो है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जो ज्यादातर हमारा साइकोलॉजी में यूज़ होती है लॉन्गिट्यूडनस स्टडी ट्रैक्स द सेम पीपल से ऑब्वियसली बात है कि आपको अगर स्मोकिंग का इफेक्ट देना देखना है किसी भी लंग कैंसर होता है कि नहीं तो आप एक ही पेशेंट पर मतलब एक पेशेंट पर ही उसका देखेंगे आपका सैम्पल चालीस पचास पेशेंट का हो सकता है लेकिन हमेशा ऑब्जर्वेशन आपका क्या रहेगा एक ही पेशेंट का रहेगा मतलब एक ही पेशेंट पे आप ऑब्जर्व करेंगे बिफोर एंड आफ्टर या फिर कॉज और इफ़ेक्ट का एक ही पेशेंट पे आप देखते हैं फील्ड ऑफ मेडिसिन द डिज़ाइन इज यूज़ टू अनकवर प्रेडिक्टर्स ऑफ सर्टेन डिसीज़ और फील्ड ऑफ वही है कि फील्ड ऑफ मेडिसिन में कैसे यूज़ हो सकता है ये कि डिज़ाइन इज यूज टू अनकवर प्रेडिक्टर्स, मतलब जो डिसीज़ uh, को कॉज करते हैं जो भी प्रेडिक्टर्स, उनको अनकवर मतलब उनको बाहर निकालने के लिए या फिर उनको सामने लाने के लिए आपका लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन यूज़ होता है सम ऑफ द डिसडवाटेजेस क्या है लॉन्गिट्यूडनल की इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड एंड आर वेरी एक्सपेंसिव ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है अब जितना टाइम होगा उतनी आपको इन्वेस्टिगेशन आपको हर साल या फिर हर महीने आपको या फिर हर छः महीने में आपको अपने पेशेंट की करानी पड़ेगी तो इससे क्या है आपका ये आपको एक्सपेंसिव भी हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इसके एग्जाम्पल है कोहोट स्टडी एंड पैनल स्टडीज तो याद रखिए लॉन्गिट्यूडनल जो है ऑब्जर्वेशनल स्टडी का ही एक टाइप है और लॉन्गिट्यूडल के जो एग्जाम्पल है वो वो है कोहोट स्टडीज एंड पैनल स्टडीज अब देखिए क्रॉस सेक्शनल स्टडीज इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी दैट इन्वॉल्व द एनालिसिस ऑफ डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन और अ रिप्रेजेंटेटिव सबसेट एट वन स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस ट्रांसवर्सल स्टडी और परविलेंस स्टडी क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होती है मान लीजिए आपने कोई दो एरिया ले रखे हैं और और उन दो एरिया में से आपने अपने सैंपल जो है स्टडी करे हैं आ, कोई दो सिटी ले लीजिए मान लीजिए आपने डेली लिया है और चंडीगढ़ लिया है तो डेली में अगर आप चार लोगों से चार लोगों के ऊपर कोई रिसर्च करें कोई ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं और चंडीगढ़ में फिर आप चार लोगों पर उसी टाइम पीरियड में या फिर उसी दिन मान लीजिए उसी टाइम पीरियड में मान लीजिए आप चार लोगों की दिल्ली में स्टडी कर रहे हैं और चार लोगों की चंडीगढ़ में स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी मतलब स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में आप जो है रिप्रेजेंटेटिव ले रहे हैं किसी भी पॉपुलेशन का और अलग अलग जगहों से इन मेडिकल रिसर्च क्रॉस सेक्शनल स्टडी में भी यूज टू डिस्क्राइब सम फीचर्स ऑफ द पॉपुलेशन सच एज प्रवलेंस ऑफ एन इलनेस और दे में सपोर्ट इन्फ्लु कॉज एंड इफेक्ट दे में ऑल्सो भी डिस्क्राइब एज सेंसेज तो सेंसेसेज हो गया मतलब अलग अलग एरिया में आपने एक ही रिसर्च के बारे में या फिर एक ही इंटरव्यू आपने करा है दो टाइप के पॉपुलेशन से या फिर दो टाइप के जो है एरिया में और दोनों हैं जो अलग अलग पॉपुलेशन है इसमें देखिए uses diagnosing or staging a disease, evaluating different methods of doing the same thing. Example examining the relationship between histology slides and MRI findings of diseased carotid artery. Diagnosis and staging of disease मतलब आपने कोई दो हॉस्पिटल में मान लीजिए ले रखा है, अब आप एरिया मतलब दिल्ली चंडीगढ़ तो मैंने एग्जाम्पल दिया था, आप इसको दो हॉस्पिटल्स में या दो इंस्टिट्यूट्स में भी कर सकते हैं। या फिर आप किसी जो डिसीज़ कोई प्रविलेंस हो रहा है किसी भी डिसीज़ का उसमें भी अगर आप अलग अलग एरिया में से आप अपना अलग अलग सबसेट ऑफ पॉपुलेशन अगर आप चुनते हैं फिर उनके बारे में इंक्वायर करके या फिर उनको पूरा ऑब्जर्व करके जब आप अपना डाटा देख लेकर आते हैं तो उसमें भी आपको जो है क्रॉस सेक्शनल स्टडी कही जाएगी

तो वहां पर आपने क्या करा चार लोगों दो इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूट ए और इंस्टीट्यूट बी में से चार चार लोगों की जो है नॉर्मल वैल्यूज को स्टडी करा तो जो नॉर्मल वैल्यूज को आपने उस पॉइंट ऑफ टाइम में स्टडी करा है वो आप जो है अपने स्टडी में लिखेंगे उसी को हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्रॉस सेक्शनल स्टडी सर्वे में भी काम आती है जैसे मे यूज प्री एग्जिस्टिंग वैलिडेटेड सर्वे आपका कोई पहले से कोई सर्वे हो रखा है तो उसके कंपैरिजन के लिए भी अगर आप नया कुछ करना कर रहे हैं सर्वे तो वो भी काम आता है टू लर्न व्हाट पीपल थिंक अब दो जगह पे दो अलग अलग सबसेट ऑफ पॉपुलेशन क्या सोच रही है उसके बारे में भी आप जान सकते हैं समटाइम्स कंबाइंड विद इंटरव्यूज आप क्या है अलग अलग जगह पे इंटरव्यूज़ भी ले सकते हैं कि इस टाइम क्या इस टाइम क्या हो रहा है या फिर एक ही टाइम पीरियड पे दो दो जगह पर क्या चीजें चल रही है इसके एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं जैसे आप न्यूज न्यूज में जब देखते हैं मान लीजिए न्यू ईयर आ रहा है या फिर दिवाली है तो न्यूज़ में बहुत सारी स्क्रीन्स चलती है जैसे लखनऊ में लोग कैसे त्यौहार को मना रहे हैं कोलकाता में कैसे मना रहे हैं दिल्ली में कैसे मना रहे हैं चंडीगढ़ में कैसे त्यौहार को मना रहे हैं तो वो डिफरेंट जो मतलब स्पेसिफ़िक टाइम पे आप डिफरेंट जगह पे जब आपनी रिसर्च कर रहे हैं या फिर डिफरेंट स्टडी कर रहे हैं तो उसी को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी तो उससे क्या होता है आपका एक इंटरव्यू टाइप भी है वो एक सर्वे भी है और आप कोई नई चीज़ भी जान सकते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं तो वो हमारा सारा चीज़ आ जाती है क्रॉस सेक्शनल स्टडी में प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी प्रोस्पेक्टिव मतलब आगे की तरफ चलने वाली स्टडीज जो होती है वो होती है प्रोस्पेक्टिव स्टडी रेट्रोस्पेक्टिव होती है पीछे की तरफ चलने वाली रेट्रो तो प्रोस्पेक्टिव में देखेंगे व्हेन द स्टडीज कैरिड आउट टू ऑब्जर्व द फ्यूचर आउटकम देन इट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव स्टडी मतलब आप फ्यूचर के फ्यूचर में अगर कोई आउटकम आने वाला है तो उसके बारे में जब स्टडी करते हैं तो <coughs> वो होती है प्रोस्पेक्टिव स्टडी प्रोस्पेक्टिव स्टडी में ही आगे देखिए अ प्रोस्पेक्टिव स्टडी इज अ कोहोट स्टडी दैट फॉलोज ओवर टाइम अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल हु डिफर विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन फैक्टर अंडर स्टडी टू डिटरमाइन हाउ दिस फैक्टर अफेक्ट रेट्स ऑफ अ सर्टेन आउटकम अब देखिए यहाँ पे वर्ड कोहोट ज्यादा यूज हो रहा है कोहोट बार बार आ रहा है तो कोहट का मतलब होता है कि आपने ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ले लिया ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या तो जो सेम टाइम पर पैदा हुए मान लीजिए ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में जो लोग पैदा हुए हैं तो वो हो जाएगा एक ग्रुप मान लीजिए आपने नर्सेज पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आ, मेडिकल नर्सेज पे तो वो हो जाए नर्सेज का जो हो जाता है ग्रुप उसको बोलेंगे कोहोट ग्रुप तो किसी भी एक हो, होमोजीनियस ग्रुप मतलब किसी भी एक टाइम या फिर किसी भी एक पीरियड में या फिर किसी भी एक ऑक्यूपेशन का अगर आप ग्रुप लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोहोट तो प्रोस्पेक्टिव स्टडी क्या होती है ये भी एक कोहोट स्टडी है मतलब आप ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लेंगे जो कि एक टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं या फिर एक ही होमोजीनियस ग्रुप है मतलब या तो नर्सेज हैं या फिर किसी ऑक्यूपेशन में सेम चल रहे हैं वो तो उसको हम बोलते हैं कोहोट तो उसमें प्रोस्पेक्टिव स्टडी में आप एक कोहोट ग्रुप लेंगे जो कि लंबे टाइम तक जो है आपका स्टडी के अंदर आएंगे मतलब आपके रिसर्च के अंदर आएंगे फिर जो भी वो आप उसको मतलब आप मान लीजिए कुछ फैक्टर्स हो रहा है जो उनको इफेक्ट कर रहा है फिर उनके आउटकम को स्टडी करने के लिए आप एक बहुत लंबा टाइम पीरियड लेंगे उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव स्टडी द प्रोस्पेक्टिव स्टडी इज इंपॉर्टेंट फॉर रिसर्च ऑन ईटियोलॉजी ऑफ डिसीज़ किसी भी डिसीज़ की इटियोलॉजी को जानने के लिए आपको जो है प्रोस्पेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी मान लीजिए कोई फैक्टर आपको कोई चीज इफेक्ट कर रही है किसी किसी भी हेल्दी इंसान को फिर वो जो है एटियोलॉजी कॉज करेगी तो उसकी पूरी एटियोलॉजी आप कैसे स्टडी करेंगे वो आगे फ्यूचर में जो आउटकम आएगा उसकी एटियोलॉजी आप अपनी रिसर्च में जो है स्टडी करेंगे दिस प्रोस्पेक्टिव स्टडी इज़ अ टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है इसलिए ये है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जो हमने ऊपर पढ़ी थी उसी को हम बोलेंगे प्रोस्पेक्टिव स्टडी रिलेशन बिटवीन बॉडी मास इंडेक्स एंड रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज और कैंसर देखिए अब मान लीजिए किसी का बी है बी जो है जो, जो ओवरवेट है ओबेस है ठीक है उसको कितना रिस्क है डेवलपिंग हार्ट डिसीज़ या कैंसर का तो वो आप एक स्टडी में ही देखेंगे मान लीजिए आपके पास पेशेंट है आपने बी नोट करी और उसकी बी आ रही है बहुत ज़्यादा तो उसके बाद आप उसको अपने सैंपल में ले लेंगे और उसको आ, उसको ऑब्जर्व करते जाएंगे सालों तक या फिर महीनों तक कि उसको हार्ट डिसीज़ या कैंसर होता है कि नहीं इसके बाद आती है हमारी रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी व्हेन द आउटकम हैज ऑलरेडी एंड द पॉजिटिव फैक्टर्स आर डेटरमेंट अब मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आया कोई डिसीज़ लेके उसके बाद आप उसकी हिस्ट्री लेके जब उसके जो है आप उसको पढ़ते कारण को ठीक है मतलब आउटकम जो है आपका डिसीज है और कॉजेटिव फैक्टर्स जो है आपके जो जिसने उसको कॉज करा है डिसीज को तो उसको जब आप स्टडी करते होता है हमारा रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी कि आपके पास ऑलरेडी आउटकम है आप जो है हिस्ट्री में जा रहे हैं उसकी तो वो होते हमारी रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी और रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी इज ऑल्सो कॉल्ड अ हिस्टोरिक स्टडी जो मैंने बताया हिस्ट्री लेना या फिर हिस्ट्री में चले जाना आउटकम के द्वारा वो है हमारी रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी मतलब रेट्रो में चले जाना इसी में देखिए लास्ट में इन दिस टाइप ऑफ स्टडी रिस्क रेशियो और, तो ये आपको याद है, risk, uh, risk और पढ़ेंगे जो हमारी रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी है उसमें रिस्क रेशियो uh, और ऑड्स रेशियो जो है हमारी रिलेटिव रिस्क के बारे में बताता है एडवांटेज देखिए दे आर कंडक्टेड ऑन स्मॉलर स्केल रिक्वायर लेस टाइम टू कंप्लीट बेटर फॉर एनालाइजिंग मल्टीपल आउटकम एड्रेस रेयर डिसीज लेस एक्सपेंसिव देन प्रोस्पेक्टिव स्टडी ऑफिस बताते हैं प्रोस्पेक्टिव स्टडी जो है बहुत सालों तक चलती है और रेट्रोस्पेक्टिव में आपके पास पेशेंट आया आपने हिस्ट्री ली तो आपको उसका कॉज पता चल गया तो वो लेस एक्सपेंसिव भी होगी और रेयर डिसीजेस के लिए भी आपको अच्छे से पता चल जाएगा इसमें मान लीजिए कोई रेयर डिसीज वाला आपके पास कोई पेशेंट आया तो उसकी हिस्ट्री जब आप लेंगे तो उसका कॉज पता चल जाएगा तो आपके टाइम भी कम लगेगा पैसे भी कम लगेंगे रेयर डिसीजेस के बारे में आपको अच्छे से पता चल जाएगा मल्टीपल जो है आपके आउटकम uh, भी आ सकता है बेटर फॉर एनालाइजिंग मल्टीपल आउटकम कि uh, मान लीजिए कोई uh, उसके साथ कोई और कॉम्प्लिकेशन हो रही है डिसीज के साथ तो मल्टीपल आउटकम हो गए वो ठीक है तो ये आप देखने के लिए हम करेंगे रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी डिसएडवांटेजेस आप देख लीजिएगा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है फिर आती है कोहोट स्टडी मैंने अभी बताया था कोहोट के बारे में अ कोहोट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक और एक्सपीरियंस विद इन अ डिफाइंड पीरियड मैंने बताया था कि एक डिफाइंड पीरियड में कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल सेम चीज एक्सपीरियंस करेंगे तो उसको बोलते हैं हम कोहोट एग्जाम्पल अ ग्रुप ग्रुप ऑफ पीपल हुर बॉर्न ऑन अ डे और इन ए पर्टिकुलर पीरियड से नाइनटीन एटी वन फॉम अ बर्थ को होट अब बर्थ को होट किस को बोलेंगे या फिर तो बहुत सारे लोग जो है एक ही दिन पर पैदा हुए हों मान लीजिए फोटीन फेब को ठीक है आज फोटीन फैब तो फोर्टीन फैब को जितने लोग पैदा हुए हैं तो हम उनको क्या कर सकते हैं एक बर्थ को होट में डाल सकते हैं फिर सिमिलरली अ कोहोट ऑफ फीमेल नर्सेज और ट्रक ड्राइवर्स अगर फीमेल नर्सेज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो वो क्या हो गया फीमेल नर्सेस का कोहोट हो गया और ट्रक ड्राइवर्स के ऊपर अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो वो ट्रक ड्राइवर का कोहोट हो गया अ कोहोट स्टडी इज अ फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जर्वेशनल स्टडी अब जब आप कोहोट स्टडी जब करते हैं किसी भी ग्रुप के ग्रुप को अगर एक किसी भी पीरियड में अगर आप उसको ऑब्जर्व करते हैं तो उसको हम बोलेंगे लॉन्गीट्यूडनल ऑब्जर्वेशनल स्टडी कोहट स्टडी कैन इधर भी कंडक्टेड प्रोस्पेक्टिवली और रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम आर्काइव रिकॉर्ड्स अब देखिए कोहट स्टडी जो है वो जो है फ्यूचर की स्टडी भी कर सकते हैं मतलब किसी भी ग्रुप को लेके आप फ्यूचर के आउटकम को देख सकते हैं और रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब कोई भी ग्रुप आपके पास आया उसके आउटकम को देख के आप उसकी हिस्ट्री लेके उसके जो है पॉजिटिव फैक्टर्स को भी पता लगा सकते हैं इन दिस स्टडी द पार्टिसिपेंट्स आर डिवाइडेड इन टू ग्रुप रैंडमली एंड वन ग्रुप इज एक्सपोज टू द रिस्क फैक्टर अंडर स्टडी एंड अदर इज अनएक्सपोज टू दिस फैक्टर आप ऐसे भी कर सकते हैं कोहोट स्टडी कि मान लीजिए दो ग्रुप में आपने अपने जो है रैंडमली डिवाइड कर लिया पेशेंट्स को और उस पेशेंट्स मतलब पार्टिसिपेंट्स को उसमें से एक ग्रुप को आपने रिस्क फैक्टर को एक्सपोज करा और दूसरे को नहीं करा फिर उन दोनों की स्टडी आउटकम के लिए जो आप करेंगे तो उसको भी हम बोलते हैं कोहोट स्टडी टू एग्जाम्पल्स ऑफ कोर्ट स्टडी हैव बीन गोइंग फॉर मोर देन फिफ्टी ईयर्स आर अब दो एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं जो पचास साल से भी ज्यादा जो स्टडीज चल रही हैं एक तो फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी है एक नेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडी है एनसीडीएस की तो ये देख लीजिएगा थोड़े बहुत एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं रेट्रोस्पेक्टिव का भी एग्जाम्पल है लॉन्ग टर्म मोर्टलिटी आफ्टर गैस्ट्रिक बाईपास और द लोथियन बर्थ कंट्रोल स्टडी ये जो है वर्ल्ड में जो भी आपके जो कोहड स्टडीज चल रही है लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज चल रही है जो पचास साल से ज्यादा जिनको हो चुका है उसके बारे में लिखा हुआ है या फिर जो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी चल रही है वर्ल्ड में उनके बारे में लिखा हुआ है इसके बाद 196 पेज पे रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल ये हम पहले भी पढ़कर आ चुके हैं फिर दोबारा से यहाँ पर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिया हुआ है तो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल द आर इज ऑफन कंसिडर्ड एज गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ क्लिनिकल ट्रायल तो याद रखिएगा आर जो है हमारी गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ क्लिनिकल ट्रायल है क्वेश्चन में भी आ जाता है कई बार आर सी टी आर ऑफन यूज टू टेस्ट द एफिकेसी और इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मेडिकल इंटरवेंशन एफिकेसी और ऑफ़ वेरियस टाइप ऑफ मेडिकल इंटरवेंशन को देखने के लिए आर सी टी यूज करते हैं दोनों वर्ड अलग हैं एफिकेसी अलग है और इफेक्टिवनेस अलग है एफिकेसी मतलब आपने अपनी ड्रग की एफिकेसी बता दी कि हमारी ड्रग जो है इतना काम कर करेगी ठीक है मान लीजिए हमारी ड्रग जो है इस डिसीज़ पे इतना काम करेगी फिर जब आप ट्रायल कर लेते हैं अपना रिसर्च पूरी हो जाती है तब जो आपका ड्रग का रिजल्ट आता है तो उसको हम बोलते हैं इफ़ेक्टिवनेस तो जो आ, बिफोर जो स्टडी होगा वो होती है हमारी एफिकेसी और आफ्टर जो स्टडी आएगी वो आएगी हमारी इफेक्टिवनेस तो दोनों जो है चेक करने के लिए आर को हम यूज़ करते हैं आर सी टीज आर क्वान्टिटेटिव कंपेरेटिव कंट्रोल एक्सपेरिमेंट इन विच इन्वेस्टिगेटर स्टडी टू और मोर इंटरवेंशन इन अ सीरीज़ ऑफ इंडिविजुअल हु रिसीव दैम इन रैंडम ऑर्डर और आप कोई भी इंटरवेंशन करते हैं मतलब आप जो है इसमें ग्रुप लेंगे क्वान्टिटेटिव कंपेरेटिव या कंट्रोल एक्सपेरिमेंट होता है दो या दो से ज़्यादा ग्रुप में भी हो सकता है या दो से दो या दो से ज़्यादा आप इंटरवेंशन भी कर सकते हैं मान लीजिए आप दो ड्रग्स दे रहे हैं या आप तीन ड्रग्स दे रहे हैं या फिर कोई आप डायग्नोस्टिक प्रोसीजर आप यूज़ कर रहे हैं वो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स आपके दो हैं तो वो हमारे सारा आर के अंदर आता है वन ऑफ दीज इंटरवेंशन इज स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन और कंट्रोल इसमें से आप क्या करेंगे मान लीजिए आपने दो ग्रुप कर रखे तो एक जो है आपका ग्रुप वो हमारा जो होगा कंट्रोल ग्रुप होगा और दूसरे के साथ उसका कंपैरिजन ग्रुप होगा मतलब कंपैरिजन के लिए भी हम आरसीटी यूज करते हैं द कंट्रोल में भी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस अ प्लेसिबो और नो इंटरवेंशन एट ऑल जो कंट्रोल ग्रुप होता है उसको आप प्लेसिबो भी दे सकते हैं या फिर कोई भी ड्रग आपने नहीं दी या फिर कोई भी इंटरवेंशन आपने नहीं दिया वो भी हमारा कंट्रोल ग्रुप होता है तो एक हो गया हमारा कंट्रोल ग्रुप और एक हो गया हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसपे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक हो गया हमारा

तो आप वो फेयरली जो है उस काम को कर रहे हैं आपने सिक्के को उछाला आपका हेड्स आया फिर दोबारा उछाला फिर दोबारा हेड्स आया फिर आया टेल आया तो इसको हम बोलते हैं रिपीटेड फेयर कॉइन टॉसिंग मतलब आप जो है फेयरली अपने जो है सब्जेक्ट को चुन रहे हैं

फिर आधा हमारा रेस्ट्रिक्टेड रैंडमाइजेशन रेस्ट्रिक्टिड रैंडमाइजेशन में भी दो चीज हैं परम्यूटेड ब्लॉक रैंडमाइजेशन या फिर ब्लॉक्ड रैंडमाइजेशन इसमें क्या करेंगे आप एलोकेशन रेशियो दे देते हैं या फिर ब्लॉक साइज दे देते हैं इसमें पहले एग्जांपल देख लेते हैं आपको उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा देखिए अ ब्लॉक साइज ऑफ सिक्स एंड एलोकेशन रेशियो ऑफ टू रेशन मान लीजिए आपको ब्लॉक साइज दे दिया कि ब्लॉक साइज है आपका छ मतलब छह पार्टिसिपेंट्स हैं ठीक है ठीके? और एलोकेशन रेशियो आपको करना है टू रेशियो वन तो इसमें असाइनमेंट कैसे हो जाएगा कि चार सब्जेक्ट एक तरफ हो जाएंगे है ना उनका एक ग्रुप बन जाएगा और दो सब्जेक्ट का अदर ग्रुप बन जाएगा तो इस ब्लॉक साइज का मतलब क्या है आपके पास टोटल पेशेंट जो है आपको वो है ब्लॉक साइज तो यहाँ पर एग्जांपल में टोटल पेशेंट आपको जो पार्टिसिपेंट आपको दिए छः फिर आपको एक एलोकेशन रेशो दे दिया ठीक है कि दो रेशो वन में आपको एलोकेट करना है ब्लॉक में तो दो रेशो वन में आप छः लोगों को कैसे एलोकेट करेंगे एक ब्लॉक में आपने चार लोगों को दे दिया और दूसरे ब्लॉक में आपने दो लोगों को कर दिया तो ये होता हमारा ब्लॉक रेंडमाइजेशन फिर एडेप्टिव बायस या कॉइन रेंडामाइजेशन इसको देखिए इन दिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ बींग असाइंड टू ग्रुप डिक्रीजेज इफ द ग्रुप इज ओवर रिप्रेजेंटेटेड एंड इंक्रीजेज इफ द ग्रुप इज अंडर रिप्रेजेंटेटेड मान लीजिए आपके पास दो ग्रुप है और एक ग्रुप में जो है आपके बहुत ही अच्छा अच्छा ग्रुप है आपका और वो ओवर रिप्रेजेंटेटेड हो रहा है मान लीजिए स्कूल में आपका कोई क्विज़ कॉम्पिटन है इसके एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हैं स्कूल में कोई क्विज़ कॉम्पिटिशन में तो आपने एक टीम तो बना दी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों की और एक टीम आपने बना दी है डफर लोगों की तो जो इंटेलिजेंट वाले अब आपके पास और जो कंटेस्टेंट हैं मान लीजिए दो इंटेलिजेंट लोग एक टीम में हो गए और दो डफर लोग एक टीम में हो गए अब आपको देने हैं अब आपको जो कंटेस्टेंट हैं वो चार चार होने चाहिए तो अब आप क्या करेंगे उनको आ, आ, जो बाकी के जो बच्चे बच्चे हैं तो डफ़र को क्या करेंगे आप जो है इंटेलिजेंट लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे और इंटेलिजेंट लोगों को आप डफ़र लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे तो वो था हमारा एडेप्टिव बायस मतलब जो ओवर रिप्रेजेंटेटेड है जो आपका जो इंटेलिजेंट ग्रुप है उसमें आप क्या करते हैं कि थोड़ा सा डफ़र जो है उनको जाने की देने की कोशिश करते हैं ताकि एक बैलेंस बना रहे दोनों ग्रुप्स का या फिर दोनों जो कंटेस्टेंट हैं उनका एक बैलेंस बना रहे इसको बोलते हैं अडेप्टिव या फिर कॉइन रेंडमाइजेशन अब आता है एलोकेशन कंसीलमेंट इट इज डिफाइंड एज द प्रोसीजर फॉर प्रोटेक्टिंग द रेंडमाइजेशन प्रोसेस सो दैट द ट्रीटमेंट टू बी एलोकेटेड इज नॉट नोन बिफोर द पेशेंट इज एंटर्ड इनटू द स्टडी इसका मतलब ये है कि आप अपना जो है कंसीलमेंट करके रखेंगे अपना इंटरवेंशन को या फिर अपने ड्रग को या फिर अपनी रिसर्च को जब तक कि पेशेंट आपकी स्टडी में एंटर नहीं हो जाता आप अपनी जो स्टडी है या फिर अपना जो प्रोसेस है उसके बारे में आप किसी को नहीं बताएंगे इसमें आता है सम स्टैंडर्ड मेथड फॉर एंश्योरिंग एलोकेशन कंसीलमेंट अब देखिए इसमें नंबर्ड नंबर सील्ड एनवलप स्नोज मतलब आप जो है सिक्वेंशली नंबर ओपेक सील एनवेलप मतलब एनवेलप में जो है अपना uh, मान लीजिए आपने कोई ड्रग है ठीक है आप उस ड्रग के ड्रग के ऊपर टैग न लगा के उसको एनवेलप में रखते जाएंगे ड्रग को बिना कुछ लिखे बस उनको नंबर डाल देंगे वन टू थ्री फोर तो आप अपने पार्टिसिपेंट से कह सकते हैं कि वन नंबर पार्टिसिपेंट वन को उठा ले टू वाला जो है टू सेकेंड एंडवेलप को उठा लें थर्ड वाला थर्ड एंडवेलप को उठा ले तो उससे क्या हुआ जब तक आपका पार्टिसिपेंट आपकी स्टडी में एंटर नहीं कर रहा तब तक जो है आपकी जो ड्रग है या आपकी जो इंटरवेंशन है आपकी जो रिसर्च है उसके बारे में किसी को पता नहीं चल रहा है नंबर कंटेनर्स कंटेनर में भी आप ऐसे कर सकते हैं फार्मेसी कंट्रोल रेंडेमाइजेशन मतलब फार्मेसी या फिर जो ड्रग बना रहा है या फिर जो ड्रग प्रोवाइड कर रहा है अगर वही कंट्रोल कर रहा है तब भी आपका जो है एलोकेशन कंसीलमेंट हो जाता है मतलब आपको नहीं पता चलता पेशेंट को कि क्या हो रहा है सेंट्रल रेंडामाइजेशन या फिर सेंट्रली रेंडोमाइज हो कोई इंस्टीट्यूट है हो उसको सेंट्रली रेंडोमाइज करे जो आपका जो ड्रग है या फिर uh, किसी भी चीज़ को आपकी रिसर्च को सेंट्रली जो है अपने हाथ में लेके उसके द्वारा दौ, अगर रिसर्च चला जाती है तब भी आपका एलोकेशन कंसीलमेंट हो जाता है अब इसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ आरसीटीज ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी डिजाइन आरसीटी मतलब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के जो क्लासिफिकेशन है स्टडी डिजाइन के बेसिस पे कैसे है पैरेलल ग्रुप क्रॉस ओवर क्लस्टर फैक्टोरियल और स्प्लिट बॉडी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनको पढ़ लेते हैं सबसे पहले है पैरल ग्रुप पेरल ग्रुप में क्या होता है आपके दो ग्रुप एक साथ चलते हैं इन दिस डिजाइन द पार्टिसिपेंट्स आर डिवाइडेड इन टू टू ग्रुप एंड वन ग्रुप रिसीव द इंटरवेंशन मेडिसिन एंड द अदर ग्रुप रिसीव ई स्टैंडर्ड मेडिसिन और अ कम्पेरेटिव मेडिसिन और अ प्लेसिबो अब आप इसमें क्या लेंगे दो ग्रुप लेंगे ठीक है जिसमें से एक ग्रुप को आप इंटरवेंशन मेडिसिन देंगे मतलब या फिर जिसपे रिसर्च आप करना चाहते हैं वो दूसरे ग्रुप पे आप कोई कंपेरेटिव मेडिसिन दे सकते हैं मतलब अगर आप कंपेरिजन करें दो ग्रुप में या फिर दूसरे ग्रुप का आप कंट्रोल ग्रुप भी रख सकते हैं मतलब उसको आप जो है प्लेसिबो भी दे सकते हैं या फिर कोई स्टैंडर्ड मेडिसिन भी आप उसको दूसरे ग्रुप को दे सकते हैं तो दिस डिजाइन प्रोड्यूस बिटवीन पार्टिसिपेंट कंपैरिजन बिटवीन पार्टिसिपेंट कंपैरिजन इसमें होगा इट इज आल्सो कॉल्ड ए नॉन क्रॉसओवर स्टडी मतलब नॉन क्रॉसओवर स्टडी मतलब आप जो एक ग्रुप में इंटरवेंशन कर रहे हैं वो पूरा आपके लास्ट रिसर्च तक वही रहेगा दूसरे ग्रुप में अगर आप प्लेसिबो दे रहे हैं तो आपके लास्ट डे तक आप उसको प्लेसिबो ही देंगे तो बिटवीन पार्टिसिपेंट कंपेरिजन हो गया के पार्टिसिपेंट्स के बीच में जो कंपैरिजन है वो है हमारा पैरेलल ग्रुप तो ग्रुप ए देखिए इसमें ग्रुप ए इंटरवेंशन मेडिसिन और ग्रुप बी को आपने स्टैंडर्ड कंपैरेटिव मेडिसिन या फिर प्लेसिबो दिया अब देखिए क्रॉस ओवर डिजाइन इन दिस डिजाइन ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट इज गिवन ऑल द स्टडी इंटरवेंशन इन सक्सेसिव पीरियड इसमें लास्ट वाले लाइन देखिए दोज हु रिसीव इंटरवेंशन मेडिसिन फर्स्ट विल देन रिसीव प्लेसिबो एंड वाइस वर्सा मैंने आपको कहा था शुरू में जो क्रॉस ओवर डिजाइन जो होते हैं या फिर क्रॉस uh, सेक्शनल डिजाइन्स जो होते हैं उनमें क्या करेंगे आप मान लीजिए दो ग्रुप हैं, ठीक है ग्रुप ए और ग्रुप बी तो ग्रुप ए में आपने मेडिसिन दी और ग्रुप बी में आपने प्लेसिबो दिया फिर आप क्या करेंगे एक महीने बाद पंद्रह दिन का गैप देके, फिर ग्रुप ए में आप प्लेसिबो देना शुरू कर देंगे और ग्रुप बी में आप मेडिसिन देना शुरू कर देंगे इसको हम बोलते हैं क्रॉस ओवर डिजाइन क्रॉस ओवर ट्रायल्स प्रोड्यूस विद इन द पार्टिसिपेंट कम्पेरिजन अब जो पार्टिसिपेंट पहले मेडिसिन ले रहा था वो अब जो क्या अब क्या करेगा वही पार्टिसिपेंट आपका प्लेसिवो लेना शुरू कर देगा तो उसको हम इसलिए हम इसको बोलेंगे विद इन पार्टिसिपेंट कि पार्टिसिपेंट के बीच मतलब जो है पार्टिसिपेंट के अंदर ही आप जो है स्टडी कर रहे हैं एक ही पार्टिसिपेंट को आपने दोनों अपनी चीज दी प्लेसिवो भी दिया और मेडिसिन भी दी एज ईच पार्टिसिपेंट एक्ट एज इज़ ओन कंट्रोल इन क्रॉस ओवर तो ये बात सही है कि आपका जो पार्टिसिपेंट मेडिसिन ले रहा है वो थोड़े दिन बाद आपका कंट्रोल हो जाएगा और जो कंट्रोल में था वो थोड़े दिन बाद आपका मेडिसिन लेना शुरू कर देगा तो हर पार्टिसिपेंट पे जो है आपका रिसर्च अलग से चलता है इसको बोलते हैं विद इन पार्टिसिपेंट कंपेरिजन इसमें देखिए द इंटरवेंशन शुड बी यूज इन क्रॉनिक या इनक्योरेबल डिसीजीजो जो ये मोस्टली जो इंटरवेंशन यूज़ होता है वो ज्यादातर क्रॉनिक डिसीज़ में हम यूज़ करेंगे द सेकेंड इंटरवेंशन मेडिसिन शुड बी स्टार्टेड आफ्टर द वॉशआउट पीरियड वॉश आउट पीरियड के बाद ही आप सेकेंड मेडिसिन देंगे मान लीजिए आप दो मेडिसिन दे रहे हैं तो ग्रुप ए में आपने मेडिसिन फर्स्ट दी ग्रुप बी में आपने मेडिसिन सेकेंड दी तो ग्रुप ए में जब आप एक महीने तक मेडिसिन फर्स्ट चलाएंगे तो उसके बाद वॉश आउट पीरियड मतलब जब ग्रुप जब मेडिसिन वन का जो इफेक्ट जो है खत्म हो जाएगा तभी आप उसको मेडिसिन टू देना शुरू करेंगे तो वॉश आउट पीरियड के बाद ही आप अपना दूसरी मेडिसिन दे सकते हैं तभी उसका जो है इफेक्ट आप अच्छे से नोटिस कर पाएंगे इसके बाद आता है फैक्टोरियल डिज़ाइन टू और मोर एक्सपेरिमेंट इंटरवेंशन आर नॉट ओनली वैल्यूएटेड सेपरेटली बट ऑल्सो इन कॉम्बिनेशन एंड अगेंस्ट अ कंट्रोल अब देखिए फैक्टोरियल डिज़ाइन भी इसके एग्जाम्पल से आप समझिए मान लीजिए चार ग्रुप है ग्रुप वन टू थ्री एंड फोर ग्रुप अब आप, आप क्या कर रहे हैं दो वाइटमिनस हैं आपके पास और एक प्लेसिबो है ठीक है तो आप क्या करें ग्रुप वन में आपने जो ले लिया वाइटामिन एक्स और वाइटामिन वाई तो दोनों चीज़ दे दी ग्रुप वन में ग्रुप टू में आप करेंगे वाइटामिन एक्स और प्लेसिबो ग्रुप थ्री में आप करेंगे प्लेसिबो भी दो टाइप के हैं यहाँ पे ठीक है एक्स और वाई तो ग्रुप थ्री में आप क्या करेंगे वाइटामिन वाई और प्लेसिबो एक्स और ग्रुप फोर में आप क्या करेंगे प्लेसिबो एक्स एंड प्लेसिबो वाई तो एक ग्रुप में आपने दोनों प्लेसिबो एक ग्रुप में आपने दोनों वाइटामिन एक ग्रुप में आपने एक वाइटामिन और प्लेसिबो और दूसरे ग्रुप में आपने दूसरा वाइटामिन और दूसरा प्लेसिबो अगर आप ऐसे करके फैक्टर्स मतलब ऐसा डिजाइन बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल डिजाइन फिर आता है स्प्लिट बॉडी डिजाइन और स्प्लिट प्लॉट डिजाइन स्प्लिट बॉडी डिजाइन मतलब एक ही बॉडी होगी आपके पास एक ही पेशेंट होगा उसी को हाफ में स्प्लिट करना है मतलब उसकी राइट साइड में आप कुछ और जो है अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसके लेफ्ट साइड में आप कुछ और इंटरवेंशन कर रहे हैं अब इसमें एक्जाम्पल देखिए दिस डिजाइन यूज वन साइड ऑफ पर्सन एज अ केस एंड अदर साइड एज ए साइडज़ कंट्रोल मतलब आप एक ही पेशेंट की एक साइड को आप केस यूज करते हैं और दूसरी साइड को आप उसी का कंट्रोल यूज करते हैं एग्जाम्पल इन पर्सन विथ जनरलाइज पेरियडोनाइटस वन साइड मे बी ट्रीटेड विद सर्जिकल और मेडिकेशन इंटरवेंशन एंड द रिजल्ट मे बी कंपेयर विद्रीटेड अदर साइड ऑफ द माउथ अब मान लीजिए किसी को पेरिडोनाइटस है मतलब किसी कोई दंत रोग है तो उसका जो है आप लेफ्ट साइड में आप उसको सर्जरी या मेडिकेशन दे के ट्रीट करें और जो उसके राइट साइड में है आप उसको अनट्रीटेड भी छोड़ सकते हैं या फिर इसको कंट्रोल में रख सकते हैं तो आप जो है ऐसे एक ही बॉडी में मतलब एक ही पर्सन पे आप दोनों साइड जो है उसकी कंपेयर कर सकते हैं इसमें देखिए द डिजाइन इज स्पेशली यूजफुल वैन द इन्वेस्टिगेटर वॉन्ट्स टू कंट्रोल फॉर फैक्टर दैट आर वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल सच इज जीनो टाइप से फ्लोरेट एन अमंग अदर्स अब इसमें क्या होता है पेशेंट आपके पास मतलब एक ही पेशेंट है उसी को आपने कंट्रोल बना दिया उसी को आपने केस बना दिया उसी की लेफ्ट और राइट साइड की बॉडी को तो इससे आपको ज्यादा चीजें जो है मतलब बायस होने की मतलब बायस नहीं हो पाएगी इससे आपकी जो है रिसर्च जैसे जीनो टाइप भी सेम होगा सेलाइवरी फ्लोरेट भी सेम होगा एम्योलॉजिकल रिस्पॉन्स भी सेम होगा क्योंकि आप जो पर्सन

स्प्लिट बॉडी या फिर स्प्लिट प्लॉट डिजाइन इसके बाद देखिए ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम ऑफ इंटरेस्ट एफिकेसी वर्सेज इफेक्टिवनेस इसमें दो चीजें एक्सप्लेनेटरी और प्रेगमेटिक एक्सप्लेनेटरी मतलब द डिजाइन एड्रेस वेदर और नॉट एन इंटरवेंशन वर्क इफ इंटरवेंशन वर्कस देन दीज ट्रायल अटैम्प्टू एस्टेब्लिश सच इंटरवेंशन वर्क्स एक्सपेनेटेड ट्रायल्स मतलब एक्सप्लेन करना कि अगर आपकी ड्रग कोई काम कर गई है तो कैसे काम करी है वो तो उस चीज़ को जब आप एक्सप्लेन करते हैं दैट इज एक्सपेलेटेड ट्रायल टू अचीव दिस द इन्वेस्टिगेशन सेट स्ट्रिक्ट इंक्लूजन क्राइटेरिया दैट विल प्रोड्यूस हाईली हो जीनियर स्टडी ग्रुप अब इसको इस लाइन को बहुत अच्छे से याद रखना है कि इसमें जो है एक्सपेलेटेड ट्रायल में स्ट्रिक्ट इंक्लूजन क्राइटेरिया होंगे मतलब आप बहुत ही स्ट्रिक्ट होंगे अपने पार्टिसिपेंट को लेते हुए कि हमें सिर्फ यही पार्टिसिपेंट चाहिए जिससे कि आपका एक होमोजीनियस स्टडी ग्रुप बन जाता है मतलब एक जैसा जो है आपका पार्टिसिपेंट का ग्रुप बन जाएगा दिस ट्रायल टेस्ट एफिकेसी इन रिसर्च सेटिंग विद हाईली सलेक्टेड पार्टिसिपेंट एंड अंडर हाईली कंट्रोल कंडीशन ये टेस्ट जो है एफिकेसी देखने के लिए होता है आपकी ड्रग की और जो होता है हमारा हाईली सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स होते हैं मतलब जिसको जिनको आप चाहते हैं कि इन पे हमारा ड्रग काम कर सकता है या काम करेगा तो उसी को आप सेलेक्ट करते हैं फिर आता है हमारा प्रेगमेटिक और रियलिस्टिक वे ऑफ रिसर्च

ठीक है प्रैगमेटिक में क्या होता है आप रियलिस्टिक वर्ल्ड मतलब क्लिनिक में जैसे जैसे आपके पास पेशेंट आते जा रहे हैं आप उनको पार्टिसिपेंट बना के उनपे आप अपने इंटरवेंशन को यूज करके या फिर रिसर्च जो आप कर रहे हैं वो आप उनके ऊपर स्टार्ट करके फिर अपना पूरा जो है अगर आपका इंटरवेंशन वर्क कर रहा है तो उसके बारे में डिस्क्राइब करना उसके गुड बैड उसके यूज हर चीज के बारे में बताना दैट इज प्रेग्मेटिक ट्रायल टू अचीव दिस प्रेगमेटिक स्टडी टेन टू यूज मोर लैक्स क्राइटेरिया टू इंक्लूड पार्टिसिपेंट विद हेट्रोजेनिक कैरेक्टरस्टिक अब आपके क्लिनिक में क्या हाइट्रोजेनिक पेशेंट आएंगे जरूरी नहीं है कि एक जैसे क्लास के आए या एक जैसे उम्र के हैं या फिर एक जैसे सेक्स के आए तो दैट इज हाइट्रोजेनिक कैरेक्टरस्टिक सिमिलर टू दो सीन बाय क्लिनिशियन इन द डेली प्रैक्टिस प्रेगमेटिक आरसीटी टेस्ट इफेक्टिवनेस इन एवरीडे प्रैक्टिस विद रिलेटिवली अनसेलेक्टेड पार्टिसिपेंट एंड अंडर फ्लेक्सीबल कंडीशन तो इफेक्टिवनेस को देखने के लिए आप प्रेगमेटिक करेंगे मतलब आपकी जो ट्रायल जो चल रहा है उसको कितना इफेक्टिव है उसको देखने के लिए जो होता है प्रेगमेटिक ट्रायल होता है ये हिट्रोजीनियस पॉपुलेशन पर होगा क्योंकि ये डेली लाइफ में होता है जैसे जैसे पेशेंट आपके पास आते जाते हैं आप उनको इंटरवीन करते जाते हैं फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस के बेसिस पे कैसा होता है ट्रायल सुपीरियरिटी ट्रायल और नॉन इन्फेरियटी ट्रायल और इक्वेलेंस ट्रायल सुपीरियरिटी ट्रायल होता है वन इंटरवेंशन इज हाइपोथाइज टू बी सुपीरियर टू अनदर इन अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट वे मान लीजिए आप दो इंटरवेंशन को यूज़ कर रहे हैं दो ड्रग अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उनमें से आपने पहले से ही ये मान लिया कि ये वाली ड्रग जो है हमारी सुपीरियर है फिर अ नॉन इन्फीरियरिटी ट्रायल सम आर टी आर सी टीज़ आर नॉन इन्फीरियरटी ट्रायल टू डेटरमाइन वेदर अ न्यू ट्रीटमेंट इज नो वर्स देन अ रेफरेंस ट्रीटमेंट आप कोई नया ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आपने रेफरेंस लिया है कहीं से उस ट्रीटमेंट का तो आपने पहले से ही बोल दिया कि जो हमारा न्यू ट्रीटमेंट है वो न, पुराने वाले ट्रीटमेंट से ख़राब नहीं है दैट इज नॉन इन्फीरियरटी मतलब नॉन इन्फीरियर नहीं है इन्फीरियर नहीं है आपका जो है पुराने वाले मतलब रेफरेंस जो ट्रीटमेंट है उससे इन्फीरियर अगर आपका नया ट्रीटमेंट नहीं है दैट इज़ नॉन ट्रायल इक्वलेंस क्या है हाइपोथाइस इज दैट टू इंटरवेंशन आर इन डिस्टिंगल फ्रॉम ईच अदर अगर आप कोई भी दो ड्रग यूज कर रहे हैं दो इंटरवेंशन यूज कर रहे हैं तो वो दोनों सेम है दैट इज इक्वलेंस ट्रायल इसके बाद आता है अदर टाइप्स एन ऑफ वन या फिर इंडिविजुअल पेशेंट ट्रायल मेगा ट्रायल सिक्वेंशियल ट्रायल और फिक्स्ड साइज ट्रायल अब एन ऑफ वन या इंडिविजुअल पेशेंट ट्रायल क्या होता है दीज आर द क्रॉस ओवर ट्रायल एन ऑफ वन मतलब आपको सिर्फ एक ही पेशेंट लेना है इसलिए ये क्रॉस ओवर ट्रायल है इन विच वन पार्टिसिपेंट रिसीव बोथ एक्सपेरिमेंट एंड द कंट्रोल इंटरवेंशन तो एक ही पार्टिसिपेंट आप इसमें लेंगे उसी को ही कंट्रोल बनाएंगे और उसी को आप एक्सपेरिमेंट बनाएंगे इन पेयर ऑफ मल्टीपल ओकेशन टिपिकली नंबर ऑफ़ पेयर इंटेंशन इंटरवेंशन वेरीज फ्राम टू टू सेवन अब जो आपके इंटरवेंशन है मान लीजिए आप कोई ड्रग दे रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो वो आपकी वेरी कर सकती है आप दो ड्रग भी दे सकते हैं पांच ड्रग भी दे सकते हैं तो दो से सात तक आप बीच में आपका जो इंटरवेंशन जो है वेरी करता है डीज आर यूज इन रेयर डिसीजेज ऑल्सो रेयर डिसीज में यूज कर सकते हैं तो एन ऑफ वन मतलब एन जो है पूरी पॉपुलेशन उनमें से आपने एक वन मतलब एक ही केस अगर आप ले रहे हैं तो डेट इज एन ऑफ वन या फिर इंडिविजुअल पेशेंट ट्रायल उसी को आप एक्सपेरिमेंट बनाएंगे उसी को आप कंट्रोल बनाएंगे दैट इज क्रॉस ओवर ट्रायल तो फिर है मेगा ट्रायल मेगा ट्रायल इंक्लूड थाउजेंड ऑफ पेशेंट एंड लिमिटेड डाटा कलेक्शन इसमें बहुत सारे पेशेंट लेंगे और जो है हमारा कलेक्शन जो होगा वो लिमिटेड डाटा होगा द मेन पर्पज ऑफ दिस लार्ज ट्रायल इज टू ऑप्टेन इंक्रीज स्टैटिस्टिकल पावर एंड टू अचीव वाइडर जनरलाइजेबिलिटी मान लीजिए आप कोई ड्रग पे रिसर्च कर रहे हैं आपने वो ड्रग दो लोगों को दी दो लोगों से आपके पास आपके पास इतना अच्छा डाटा नहीं आता कि दो लोगों पे काम कर गई है तो आप क्या करोगे उसे एक हज़ार लोगों पे अगर आपका डाटा अच्छा आया उस ड्रुग, उस ड्रग का पॉजिटिव रिजल्ट आया अगर एक हज़ार लोगों पे तो वो होता है हमारा स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट मतलब जो आपकी ड्रग है वो सिग्निफिकेंट है उसकी स्टैटिस्टिकल पावर बढ़ जाती है जब आप ज़्यादा पॉपुलेशन में उसको यूज़ करते हैं तो दैट इज मेगा ट्रायल अगर आप किसी बड़ी पॉपुलेशन में किस उसको यूज़ करें दैट इज मेगा ट्रायल फिर है सिक्वेंशियल ट्रायल अ सिक्वेंशियल ट्रायल इज़ अ स्टडी विद पैरेलल डिजाइन इन विच द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज नॉट स्पेसिफाइड बाय द इन्वेस्टिगेटर बिफोर हैंड इन द इन्वेस्टिगेटर कंटिन्यू रिक्रूटिंग पार्टिसिपेंट अंटिल अ क्लियर बेनिफिट ऑफ वन ऑफ द इंटरवेंशन इज ऑब्जर्व और अंटिल दे आर कन्विंस दैट देर इज नो इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द इंटरवेंशंस अब इसमें क्या होता है सिक्वेंशियल ट्रायल में आपका नंबर जो है पार्टिसिपेंट का वो फिक्स नहीं होता आप क्या करते हैं अपना जो पार्टिसिपेंट्स को लेते जाते हैं मान लीजिए आप किसी क्लिनिक पे बैठे हो और आप एक नया ड्रग चालू कर रहे हैं और उसी के कंपैरिजन में एक दूसरा ड्रग कर रहे हैं तो ड्रग ए और ड्रग बी को आप देते जाएंगे देते जाएंगे पार्टिसिपेंट आते जाएंगे आपका कोई फिक्स नंबर नहीं कि आपको तीस तीस लोगों को देना है कि चालीस को देना है जितने लोग आते जा रहे हैं आप उन्हें देते जा रहे हैं फिर आप एक एक पॉइंट तक ऐसे पहुंच जाते हैं जहां पर आपको लगता है कि हाँ ये जो ड्रग है ये बेनिफिट कर रहा है या फिर जो दूसरा ड्रग है और जो पहला ड्रग है ड्रग है और भी में कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों एक जैसे हैं या फिर दोनों एक जैसा बेनिफिट कर रहे हैं तो उस पॉइंट तक पहुंचना और वहां पर अपनी रिसर्च को खत्म करना दैट इज सिक्वेंशियल ट्रायल तो आप क्या करते हो जहां पर आपको बेनिफिट लगता है वहीं पर आप अपने पार्टिसिपेंट के रिक्रूटमेंट को रोक देते हैं इसके बाद है फिक्स्ड साइज ट्रायल इन अ फिक्स्ड साइज ट्रायल द इन्वेस्टिगेटर एस्टैब्लिश डिटेक्टिवली द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट

एक ही पेज और है फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में होगा ओपन एंड ब्लाइंड आरसीटीज ओपन आरसीटी जो होती है इन विच एवरीबडी इन्वॉल्व इन द ट्रायल नोज अबाउट द इंटरवेंशन इन विच विच इज गिवन टू इट पार इच पार्टिसिपेंट ओपन मतलब सबको पता है कि मुझे क्या ड्रग दिया जा रहा है पार्टिसिपेंट को भी पता है इन्वेस्टिगेटर को भी पता है तो वो होते हैं हमारी ओपन आर सी टी मोस्ट ट्रायल्स कंपेयरिंग डिफरेंट सर्जिकल इंटरवेंशन और कंपेयरिंग सर्जरी और मेडिकेशन और ओपन तो जो सर्जरी अगर मान लीजिए कंपेरिजन वाली सर्जरी हो रही है या फिर से कोई सर्जिकल इंटरवेंशन हो रहा है तो ऑब्वियस यही बता है पार्टिसिपेंट को उसमें पता होता है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो ब्लाइंड ट्राइ जीरो ब्लाइंड मतलब कोई भी इसमें से ब्लाइंड नहीं है किसी को भी मास्क नहीं करा गया किसी को भी छुपाया नहीं गया किसी चीज के बारे में फिर है ब्लाइंड आर सी टी ब्लाइंडिंग और मास्किंग तीन नाम है इसके ब्लाइंड आर सी टी ब्लाइंडिंग और मास्किंग एन आर सी टी में ब्लाइंडेड या मास्ड बाई प्रोसीजर्स देट प्रिवेंट स्टडी पार्टिसिपेंट केयर गिवर्स और आउटकम असेसर फ्रॉम नोइंग विच इंटरवेंशन वॉज रिसीव मतलब अगर आप किसी को बता ही नहीं रहे पार्टिसिपेंट को भी नहीं बता रहे केयर गिवर्स को नहीं बता रहे हैं, मतलब नर्सेज या और जो आपका मेडिकल स्टाफ है या आउटकम एसेस मतलब जो आपका रिजल्ट देखने वाले हैं उस इंटरवेंशन का उनको भी नहीं पता कि इंटरवेंशन क्या दी गई थी तो जो उसको हम बोलेंगे ब्लाइंड आर या फिर ब्लाइंडिंग और मास्किंग ब्लाइंडिंग भी जो है हमारा तीन टाइप का होता है सिंगल ब्लाइंड डबल ब्लाइंड और ट्रिपल ब्लाइंड सिंगल ब्लाइंड में आपका क्या होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इवॉल्व इन द ट्रायल डज नॉट नो द आइडेंटिटी ऑफ द इंटरवेंशन दैट इज गिवन टू ईच पार्टिसिपेंट मतलब इसमें क्या होता है इसकी जो सेकंड है वो देखिए उससे ज़्यादा अच्छे समझ आएगा ओनली इन्वेस्टिगेटर नोज अबाउट द सब्जेक्ट रिसीविंग द ट्रायल एंड कंट्रोल बट सब्जेक्ट हिमसेल्फ डज नॉट नो टू विच ग्रुप ही बिलोंग सिर्फ इन्वेस्टिगेटर को पता होता है कि आपका पार्टिसिपेंट जो है वो कंट्रोल ग्रुप में है कि आपके एक्सपेरिमेंट ग्रुप में है मतलब पार्टिसिपेंट को जो है मेडिसिन दी जा रही है या फिर प्लेसिबो दिया जा रहा है तो सिर्फ इन्वेस्टिगेटर को इसके बारे में पता होगा पार्टिसिपेंट को नहीं पता होगा इसलिए सिंगल ब्लाइंड मतलब इसमें सिंगल आदमी मतलब सिंगल जो है पार्टिसिपेंट जो है Uh, जो है हमारा ब्लाइंड है उसको नहीं पता है फिर डबल ब्लाइंड में इन दिस ट्रायल इन्वेस्टिगेटर एंड सब्जेक्ट बोथ ऑफ देम आर अन अवेयर ऑफ द सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन टू ट्रायल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप गाइड और मॉनिटरिंग कमिटी नोज द डिस्ट्रीब्यूशन अब इसमें क्या होता है इन्वेस्टिगेटर और सब्जेक्ट मतलब इन्वेस्टिगेटर और पार्टिसिपेंट दोनों को ही नहीं पता होता कि पार्टिसिपेंट को किस ग्रुप में रखा गया है कंट्रोल में रखा गया है या फिर केस ग्रुप में रखा गया है फिर ट्रायल ग्रुप में रखा गया है द डबल ब्लाइंड आरसीटी इन विच द कंट्रोल ग्रुप रिसीव प्लेसिवो और ऑल्सो डबल ब्लाइंड रैंडमाइज प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल इसको आप देख लीजिए फिर है हमारा ट्रिपल ब्लाइंड ऑल थ्री सब्जेक्ट इन्वेस्टिगेटर हाँ जो डबल ब्लाइंड था उसमें क्या था जो मॉनिटरिंग कमेटी होगी या फिर जो ड्रग प्रोवाइड करी है मॉनिटरिंग कमेटी जो होती है उसको पता होता है कि आपका पार्टिसिपेंट कौन से उसमें ट्रायल ग्रुप में या फिर कंट्रोल ग्रुप में अब ट्रिपल ब्लाइंड में क्या होता है किसी को नहीं पता सब्जेक्ट इन्वेस्टिगेटर और मॉनिटरिंग कमेटी किसी को भी नहीं पता कि जो आपका पार्टिसिपेंट है उसको कौन से ग्रुप में रखा गया है या फिर जो आपका इंटरवेंशन है वो क्या है दिस वर्क इज हैंडल्ड एट द नेशनल लेवल एंड डिटेल्स ऑफ ईच सब्जेक्ट असाइंड आर कैप्ट कॉन्फिडेंशियल ये वर्क जो है नेशनल लेवल पर कंडक्ट किया जाता है मान लीजिए कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल मान लीजिए एम्स में अगर कोई रिसर्च की जा रही है और वो नेशनल लेवल पर है और अगर आप उसको ट्रिपल ब्लाइंड रखना चाहते हैं मतलब एम्स के डॉक्टर्स को भी नहीं पता एम्स में जो पार्टिसिपेंट मतलब जो सैम्पल है उनको भी नहीं पता और एम्स के जो हायर आ, हायर जो अथॉरिटीज़ हैं उनको भी नहीं पता सिर्फ नेशनल लेवल पर पता है कि हाँ एम्स में ये रिसर्च कंडक्ट की जा रही है और जो सब्जेक्ट है हमारे ये हमारे ट्रायल ग्रुप में है और ये हमारे कंट्रोल ग्रुप में है डैट दैट इज ट्रिपल ब्लाइंड फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस के आगे से जो है पेज नंबर टू जीरो वन तक कंप्लीट हो गया है टू जीरो टू से आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आज के लिए इतना ही थैंक यू